अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल कवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पार्टीशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी जगह जा रहे हो तो आपके पास इतना अमाउंट, इतना आपके पास आप अपने आप को अकोमोडेट कर सको। आप अगर मैं किसी दूसरे शहर जा रहा हूँ या दूसरी कंट्री जा रहा हूँ तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं होटल ले सकूँ, अपना फूड खुद खरीद सकूँ, या अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ बगैर पैसों के जो कि वहाँ से वो दैट टाइम ड्यूरिंग द पार्टीशन मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट टाइम, बिकॉज जब वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क आओगे तो करेंसी तो ऑलरेडी बैंड हो जाएगी और वो 5,000 वाले, 500 वाले, 10 रुपए वाले, ये 1 रुपए वाले जो कॉइन्स हैं या नोट्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे। नाउ व्हाट टू डू, हाउ कैन वी बाय द थिंग्स ओवर देयर। सब चीज़ों की जब डिवाइड हो रही थी तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान वॉज मोस्टली अंडर डेवलप्ड था, ठीक है, विद द वेरी वेरी लिटिल इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री होना बहुत जरूरी है कि कोई इंडस्ट्री होगी, कोई फैक्ट्री होगी तभी आप लोगों को मुलाजमत देंगे, आप रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे। तो 8 टाउन्स विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन ओनली 1 लाख एंड अराउंड 90% पीपल लिव इन कंट्री साइड, ओके, एंड अराउंड कराची, लाहौर, ढाका, हैदराबाद, अच्छा ढाका इज टॉकिंग अबाउट द ईस्ट पाकिस्तान, रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट एंड पिशावर। द परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिक इफ वी से द एसेट इन पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, जो हमें एसेट्स मिले थे जैसे रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्रीज हमें जो मिली थी वो 10 थी, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो ओनली 6.5 थे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ओनली 5% थी दैट टाइम, यानी कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान को 5% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी या उनके इक्विपमेंट थे जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, और मिनरल डिपोसाइड्स ओनली 10% ड्यूरिंग द पार्टीशन। हमें मैन पावर चाहिए थी, हमें एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थे, हमें वो लोग चाहिए थे जो कंप्यूटर पे काम कर सकें, जो जो डॉक्टर्स हों, जो इंजीनियर्स हों, वर्केबल एडमिनिस्ट्रेशन। इफ वी से द मशीनरी कुड नॉट बी सेटअप बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिफिकल्टीज कॉज बाय द कांग्रेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कांग्रेस इट्स हैपेंड, एंड द वर्केबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट मशीनरी नीडेड टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ टॉक अबाउट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल इन द सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, शॉर्टेज ऑफ द फर्नीचर एंड स्टेशनरी, यानी कि हमारे पास बैठने को फर्नीचर नहीं था, हमें जगह दे दी गई आप इसको ऑफिस बना लें, अब हम ऑफिस कैसे बनाए, हमारे पास स्टेशनरी नहीं है, हमारे पास तो कॉपीज नहीं है, हमारे पास तो फर्नीचर नहीं है, जहाँ पर हमारे पास तो कबर्ड नहीं जिसमें हम अपनी फाइल्स वगैरह, अगर कोई वहाँ से लोग आ भी रहे हैं तो हमें तो उनका देखना कि हाउ मेनी पीपल्स कमिंग फ्रॉम देयर, ठीक है, अगर जो लोग आ रहे होंगे तो हम उनको नोट डाउन करके ये इनके नाम है, ये फैमिली मेम्बर्स है, इनके पास इतना अमाउंट है या इतना इनके पास एसेट्स हैं, ठीक है, इतने बीमार हैं, इतने छोटे हैं, इतने बड़े हैं, तो हर चीज़ नोट करनी पड़ती है, बट दैट टाइम वी डू वेरी लेस एंड वेरी डिफिकल्ट टू काउंट दैम। अभी तो हम लोग कितने आराम से देखें इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, और जैसे ही हल्की सी लाइट जाती है 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, वी वर लाइक ट्राई टू क्राई हम कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर दैट टाइम पार्टीशन के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, 5% एज आई वी सॉ इन प्रीवियस स्लाइड्स, ड्यू टू अनफेयर डेमोक्रेशंस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑफ द वेस्ट ऑफ पंजाब वॉज वी कैन से द distributed. Pakistan had limited sources of water and irrigation system. ये limited, उनके पास बहुत limited पानी था जिसमें irrigation करना था, irrigation नहरी system से क्या होता है जिसमें हम field को, crops को, और यानी कि हम अपने किसान जो है पानी देते हैं और field को, ठीक है, खेतों को। इंडियन एस्टिमेटेड द हाइड्रल पावर पानी का प्लांट, सही है, जिसमें से हम लोग क्या जनरेट करते हैं, बिजली जनरेट करते हैं, वो ओनली 30-40 मिलियन केवी था, ठीक है, किलोवाट था, वेल द पाकिस्तान वॉज मेयरली 0.5 मिलियन किलोवाट। अच्छा, इस पे जो कायद ने कहा था कि इफ वी आर टू एग्जिस्ट एज अ नेशन वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स विद डिटर्मिनेशन एंड फोर्स, यानी कि हमें बहुत सारी, अगर आपको एक नेशन बनना तो आपको तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। अचीवमेंट के लिए अगर आपको रिजल्ट हासिल करना है, आपको फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, यू वांट टू बी लाइक अ ग्रेट स्टेप ऑन द अप स्टेप, तो ऑब्वियसली आपको हार्डशिप करनी पड़ेगी। जब हार्डशिप करोगे तो आपको खाना भी छोड़ना पड़ेगा सम टाइम, आपको टीवी भी छोड़ना पड़ेगा, अपना सोशल गैदरिंग भी छोड़नी पड़ेगी, और आपको सिर्फ उस टाइम पे पढ़ना होगा, मगर वो तो टाइम भी होगा ना, टेम्परेरी होगा, उसके बाद आपको जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर आपको यही सोशल सर्कल होगा। इस तरह अगर आपको अचीवमेंट हासिल करनी है और आपको अपना अपना घर बनाना है तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा 3 वक्त का खाना नहीं, 1 वक्त का खाना भी खाना पड़ेगा, तो ये सब चीजें हम वहाँ फेस कर रहे थे।
सोशल प्रॉब्लम्स में यहाँ पर जो आती है, देखेंगे ब्लू मैंने ग्रीन और रेड, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है ना, आप देखिए कोई पंजाब से आ रहा है, कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई ढाका से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, ठीक है, कोई उनके लैंग्वेजेस डिफरेंट है, वे ऑफ ट्रेडिशन भी डिफरेंट होगा, जैसे कि अभी हम लोग 5 सूबों और 4 सूबों की बात करते हैं तो पंजाबी और पठान बहुत डिफरेंट है, मजहब और दीन तो एक है, ठीक है, मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, मगर लैंग्वेज डिफरेंट है, वो सुबह नाश्ते में कुछ और खाते हैं, पंजाब वाले लस्सी पीते हैं, हम लोग रांची वाले चाय पीते हैं, सो इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट ट्रेडिशन वी हैव, ठीक है, तो इसी तरह से ये सोशल प्रॉब्लम भी वो लोग थोड़ा बहुत फेस कर रहे थे. पाकिस्तान वॉज मेनली विद द 5 डिफरेंट ग्रुप्स, उन्होंने डिफरेंट ग्रुप जान लिए, पख्तून इनमें नॉर्थ से आ रहे हैं, बलूचिस्तान वेस्ट से आ रहे हैं, सिंधियस जो है वो साउथ है, पंजाबी इज इन द नॉर्थ ईस्ट, और जो बंगालीज है इन द ईस्ट, सही है. इशू अफेक्टिंग जो हो रहा था, जो वी कैन से द वेल ऑफ द पीपल वॉज पुवर्टी, गरीब सारे, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ द कॉलोनियल पीरियड मैनी पेशेंस आर द बिकम द लैंडलेस, सब अपना सारा कारोबार, अपनी जमीन है वगैरह पीछे छोड़कर आ रहे थे. एक बीमारी भी फैल गई थी, इसमें मलेरिया था, कुलेरिया था, नंबर ऑफ वाटर वी कैन से द बोन डिजीजेज, हड्डियों के इफेक्टेड भी हो रहे थे, जैसे मतलब आप कहीं से आ रहे होते हैं तो एक कोई बीमारी होती है तो वो लग जाती है किसी को, मच्छर होते हैं, आप शेल्टर में बैठे हुए, पता नहीं वो इलाका कैसा है. 1948 देयर वर ओनली 211 डॉक्टर्स ओनली एंड 2825 हॉस्पिटल्स ओनली बेड्स इन ईस्ट बंगाल, भी ईस्ट बंगाल में. व्हेन द न्यू नेशन इमर्ज देयर वाज ओनली अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट लेवल सेकेंडरी स्कूल्स, सही है, इन द हायर एजुकेशन 11-12 की बात कर रहे हैं, ठीक है, देयर वाज ओनली अ 1 यूनिवर्सिटी एंड द फ्यू कॉलेजेस एंड द मदरसास. वी कैन आप देखें, और पूरा पाकिस्तान हमने फ्यू कॉलेजेस वो मदरसे पे चलाना था, और आप देखिए बट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज भी है, मदरसा एंड द लॉट ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल एज वेल.